हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सालों पहले किसी जंगल में तीन लड़कियाँ रहती थी। तीनों बहनें थी। सबसे बड़ी बहन का नाम संजना था, बीच वाली बहन का नाम सपना था और सबसे छोटी वाली बहन का नाम पायल था। वो हमेशा मिलजुल कर रहती थी। वो तीनों रोज जंगलों से लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। वे तीनों मिलजुल कर खुशी खुशी साथ रहते थे। धीरे धीरे उस जगह की सारी लकड़ियां खत्म होने लगी तो उनमें से सबसे बड़ी बहन संजना ने कहा, अब हमें ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि यहाँ अब ज्यादा लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं बची है, जिससे हम अपना गुजारा कैसे चला पाएंगे। यहाँ खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना होगा। तब सबसे छोटी बहन पायल ने कहा, दीदी, नदी के दूसरी ओर एक ऐसी जगह है जहाँ चारों ओर बहुत सारी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ है। अगर हम वहाँ चले जाएं तो आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। हम वहाँ की सारी लकड़ियाँ बेचकर आराम से खुशी खुशी रह सकते हैं। तभी बीच वाली बहन सपना ने बोला, पायल, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम नदी पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि नदी के बीच में बने पुल के नीचे एक राक्षस रहता है। वो वहाँ से गुजरने वाले हर किसी को खा जाता है। अगर हम वहाँ से जाएंगे तो वो राक्षस हम तीनों को खा जाएगा। तब सबसे बड़ी बहन संजना ने कहा, सपना, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उस राक्षस को उल्लू बनाकर वो नदी पार कर सकते हैं। उसने अपनी दोनों बहनों के कान में कुछ कहा, जिससे सपना और पायल का डर बिल्कुल चला गया और वो सभी खुशी खुशी नदी की तरफ जाने लगे। पुल के पास पहुंचते ही सभी बहनें एक पेड़ के पीछे छुप गई। तभी सबसे बड़ी बहन संजना ने पायल को कहा, पायल, पहले तुम जाओ और याद है ना जो मैंने तुम्हें समझाया था। हाँ दीदी, मुझे सब याद है। ये कहकर पायल पुल की तरफ बढ़ने लगी। पायल जैसे ही वो पुल पार करने लगी तभी अचानक वहाँ राक्षस आ गया। राक्षस को अचानक वहाँ देख पायल काफी घबरा गई, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने जो प्लान बताया था उसे सोचकर पायल को दोबारा हिम्मत मिली और उसका डर बिल्कुल खत्म हो गया। तब राक्षस बोला, तुम कौन हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुमको खा जाऊंगा। तभी पायल कहती है, राक्षस महाराज, मैं तो बहुत छोटी हूँ ना, मुझे खाने से आपका पेट नहीं भर पाएगा। आप एक काम कीजिए, पीछे मेरी बड़ी बहन आ रही है, वो बहुत मोटी है, आप उसको खाकर अपनी भूख मिटा लेना, प्लीज मुझे छोड़ दो। राक्षस को पायल के मुंह से महाराज शब्द सुनकर अच्छा लगा और खुश होते हुए राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम बहुत छोटी हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन को खा लूंगा। पायल वहाँ से जल्दी से चली जाती है। इसके बाद सबसे बड़ी बहन संजना ने सपना को कहा, सपना, अब तुम जाओ, अब तुम्हारी बारी है, और हाँ, ध्यान से जाना। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर सपना पेड़ के पीछे से निकलकर पुल पार करने लगी। वहाँ राक्षस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सपना को देखकर राक्षस खुश हुआ और राक्षस ने सपना से कहा, आ जाओ लड़की, आज मैं तुमको खा जाऊंगा, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तभी सपना ने घबरा कर कहा, हे राजाधिराज, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो आपके नाश्ते के बराबर भी नहीं हूँ। आप थोड़ा और इंतजार करें तो आपको ऐसी दावत मिलेगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। राक्षस ने उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा, वो कैसे? तब सपना ने कहा, पीछे से मेरी बड़ी बहन आ रही है, वो मेरी जैसी 10 लड़कियों के बराबर है, आप उसे कई दिनों तक आराम से खा सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। राक्षस ने उसके मुंह से राजाधिराज और मोटी लड़की की बात सुनकर उसे पुल पार करने की इजाजत दे दी। ठीक है, तुम इस पुल को पार कर सकती हो, मैं यही तुम्हारी बहन का इंतजार करता हूँ। आखिर में सबसे बड़ी बहन पुल के ऊपर चढ़ी और उसे पार करने लगी। तभी उसके सामने राक्षस आ गया और जोर जोर से हंसने लगा, हंसने के बाद राक्षस ने कहा, आज तो मजा ही आ गया, तुम बहुत ही मोटी हो,
तुम्हें खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। राक्षस की बात सुनकर संजना डर गई और कुछ कदम पीछे चलने लगी। तभी वहाँ सोफिया नाम की एक परी प्रकट हुई, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। परी को अचानक वहाँ देख संजना बहुत खुश हुई और वो राक्षस बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख परी, तू यहाँ कैसे आ गई? लगता है तुझे अंदाजा नहीं है मेरी शक्तियों का। अभी मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, चली जा यहाँ से और वो मोटी लड़की मेरे हवाले कर दे, वरना आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। राक्षस की बात सुनकर सोफिया परी हंसने लगी और बोली, तू मुझे क्या दिखाएगा अपनी शक्तियाँ? तुझे जरा अंदाजा भी है मेरी शक्तियों का? जा जा, वरना मारा जाएगा। लेकिन राक्षस नहीं माना और वो जैसे ही सोफिया परी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी सोफिया परी ने अपनी छड़ी निकाली और जैसे ही उस राक्षस पर घुमाई, तभी वो राक्षस बुरी तरह जलने लगा और जलकर खाक हो गया। तभी सोफिया परी ने संजना से कहा, तुम इस पुल पर क्या कर रही थी? तुम्हें पता नहीं था क्या इस पुल पर एक राक्षस रहता है? तुम फिर भी यहाँ आई? अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो अभी क्या से क्या हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए परी जी, मुझे पता था कि इस पुल पर एक राक्षस रहता है, लेकिन मेरा इस पुल के पार जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी दो छोटी बहनें पुल के उस पार मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, ये बात है, चलो तुम्हें तुम्हारी बहनों के पास ले चलती हूँ। इतना कहकर सोफिया परी ने अपना जादू चलाया और संजना को उड़ाकर नदी के उस पार उसकी बहनों के पास ले गई। पायल और सपना ने जैसे ही अपनी बड़ी बहन संजना को सही सलामत देखा, वो बहुत खुश हुई और उन्हें गले से लगा लिया। तभी संजना ने अपनी बहनों से कहा, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। तभी सपना ने परी से कहा, परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दीदी की जान बचाने के लिए। तभी परी ने पूछा, वैसे तुम सभी नदी पार क्यों करना चाहती थी? तब संजना ने बोला, परी जी हम नदी के इस पार इसलिए आना चाहते थे क्योंकि नदी के उस पार की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई है, जिसके कारण हम सही से खाना नहीं खा पाते थे, क्योंकि लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उन्हीं से हम अपना गुजारा चलाते थे, और जब वहाँ की लकड़ियाँ खत्म हो गई तब हमें मजबूरी में नदी के इस पार आना पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर सोफिया परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और एक बहुत ही बड़ा जादुई चॉकलेट का घर प्रकट कर दिया। ये देखकर वो तीनों बहनें हैरान हो गई। तभी सोफिया परी ने उन तीनों बहनों से कहा, आज से तुम तीनों बहनें इसी जादुई चॉकलेट के घर में रहना। इस जादुई चॉकलेट के घर में तुम्हें कभी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी और तुम अपना पूरा जीवन इस घर में हंसी खुशी बिता पाओगी। तब सबसे छोटी बहन पायल ने परी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, हम आपका ये उपकार कभी भी नहीं भूलेंगे। तब परी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने आती रहा करूँगी, अभी मेरी जाने का समय हो गया है। इतना कहकर सोफिया परी वहाँ से अपने परलोक की ओर चली जाती है और उस दिन के बाद से तीनों बहनें हंसी खुशी उस जादुई चॉकलेट के घर में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।